आपने कल के ब्लॉग में देखा कि मैं कल अपनी भाइयों के लिए लेके आई थी बहुत सारी सुंदर सुंदर राखियाँ, और आज है राखी। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर राखी। और ये देख लो मेरी मेहंदी, मैंने कल रात लगाई है खुद से, कितनी सुंदर इसका कलर आया है। सो मैं दिखाने लगी हूँ जो मैं आज पहनूंगी। ये मेरा वाइट शॉर्ट कुर्ता है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, नया एकदम। सो फेस्टिवल के दिन है तो नया नए कपड़े पहनने का बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ है ये क्रीम पैंट, कार्गो पैंट है ये क्रीम कलर की, पर मैं ये नहीं डालूंगी, इसके साथ मैं डालूंगी ये ब्लैक वाली पैंट। उसके बाद मैं तैयार होके नहा धो के आ गई थी, अपनी एसेसरीज निकाल रही थी जो कि आज मुझे डालनी है, ठीक है। सो मैं वही चूज़ करी थी कि मैं क्या डालूं, वैसे कहीं मुझे बाहर जाना नहीं था, बस मैंने क्लिप्स निकाली क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो सुंदर सुंदर बाहर खोल के मैंने क्लिप्स लगाई। एक ये छोटा सा ब्रेसलेट डाला और एक या शायद दो रिंग्स डाली थी। उसके बाद मैंने अपना बॉक्स बंद करके रख दिया था इसकी जगह पर, और फिर मैं ये अपना परफ्यूम निकालने लगी जो कि आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी। और क्या निकाला मैंने, एक हाँ लिप गार्ड निकाला। सारा सामान निकालने के बाद मैंने कर दिया अपना ड्रॉवर बंद। सो विराट था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि अब उसकी लाइट वाली राखी उसकी कलाई पे बन जाएगी, और मैंने प्लेट अच्छे से लगा ली थी तो ऐसी ही कुछ दिख रही थी हमारी प्लेट। उसके बाद मैंने शुरू करा राखी बांधना। पहले मैंने उसको तिलक करा, उसका मुंह अच्छे से पकड़ा, मैंने बार बार हिला रहा था, फिर मैंने अच्छे से तिलक लगाया, उसको अच्छे से लगा नहीं था। कितना क्यूट लग रहा है ना। बड़ा तिलक लगा दिया, फिर मैं हंस रही थी, फिर ये बार बार फोन में देख रहा था कि इसने तिलक अच्छे से लगाया है कि नहीं। फिर मैंने राखी खोली और उसको बांध दिया। कान्हा जी को राखी बांधी थी, और सबसे पहले मैं हमेशा कान्हा जी को ही राखी बांधती हूँ। सो उनके लिए मैं लाई थी गिटार वाली कलरफुल राखी जो कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाई थी। पहले मैंने कान्हा जी का करा टीका छोटू सा, उसके बाद लगाया चावल, फिर चावल लगाने के बाद मैंने उनको खिलाया मीठा, फिर उनको पहनाई मैंने राखी उनकी फेवरेट। उनका हार इतना छोटा सा था, मुझसे बहुत देर में बनती, मैंने तो बहुत मुश्किल से बांधी उनको राखी, पर हाँ बन गई थी। और बाद में बहुत क्यूट लगी थी उनके हाथ में सुंदर सी छोटी सी गिटार वाली राखी। मैंने खाया अपना ब्रेकफास्ट जो कि टोस्ट और चाय, और ये मुझे इतना टेस्टी लग रहा था ना सिंपल सा टोस्ट, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और भूख में तो सब चीज़ टेस्टी लगती है। उसके बाद शाम में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने अपनी फेवरेट जगह से बहुत ज़्यादा फेमस समोसे खाए जो कि बहुत बहुत टेस्टी थे। So this was the day, I don't
which day was after 2 or 3 days आई एम ब्लॉगिंग दिस क्लिप आई थिंक. सो मैं चॉकलेट खा रही थी और शाम के टाइम पढ़ते पढ़ते बाहर में पता नहीं क्या फालतू की एक्टिंग कर रही थी कि कैसे खाते हैं कुछ लोग, थोड़ा थोड़ा बाइट लेके खाते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं मुंह बना बना के, और कुछ लोग खाते हैं मेरी तरह ऐसे जो चॉकलेट के दीवाने नहीं होते हैं. सो मैं बस उनकी एक्टिंग करके दिखा रही थी और फालतू के नाटक करके वीडियो बना रही थी. उसके बाद मैंने खाई ये कैरेमल पॉपकॉर्न जो कि बनी रोस्टेड थे, मतलब कैरेमलाइज्ड थे ये पॉपकॉर्न, जो कि इतने ज़्यादा मीठे कि पॉपकॉर्न का सारा स्वाद ही बिगड़ गया. पॉपकॉर्न ऐसे होते कि एक खाओ ना बार 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 खाने का मन करता है, एकदम बकवास थे. उसके बाद मैंने खाया अपना फूड बॉल आफ्टर स्कूल नेक्स्ट डे, और ये थोड़ी सी मैं मस्ती करी थी, ये क्या कहते हैं कुछ चोकोर कुछ खा रही थी मैं स्कूल जाकर.